हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड लेवल। माय नेम इज़ सैयद अली जामिन एंड दिस इज़ आवर वीडियो लेक्चर ऑन द फाउंडेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। आई हैव टेकन दिस लेक्चर फ्रॉम दिस बुक कंप्यूटर नेटवर्क्स बाय पीटरसन। तो आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम इस वीडियो लेक्चर में, वो हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्यूटर नेटवर्क्स के और स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसके अलावा भी हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमारे दो मेजर टॉपिक्स होंगे इस वीडियो लेक्चर में। अच्छा, जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं इस लेक्चर के लिए वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स बाय पीटरसन। अच्छा, अगर आपको पता नहीं है कि मैं वीडियो लेक्चर्स किस तरह अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, इस कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो वीडियो लेक्चर की सीरीज़ है वो, तो यहाँ एक लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि ये जो अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स इस तरह फॉर्मेट में लिखा होता है उस वीडियो का नाम, और उसका यह मतलब होता है कि अगर CN लिखा है तो मतलब है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स का ये वीडियो है, और A का मतलब है कि ये एडवांस लेवल का एक टॉपिक है, और कंप्यूटर नेटवर्क CN शो करता है और A शो करता है एडवांस्ड, और लेक्चर 3 का मतलब है कि हमारा एडवांस लेवल का जो ये लेक्चर 1 है, 2 है, 3 एंड सो ऑन, और आगे स्विचिंग लिखा है। तो इसका ये मतलब होगा कि जो इस वीडियो में मेन टॉपिक जो डिस्कस किया गया है वो स्विचिंग है। इसके अलावा भी और टॉपिक भी हो सकते हैं और मैं उनको इधर लिख भी सकता हूँ, लेकिन मेनली मैं एक से दो टॉपिक्स ही मैंशन करता हूँ। अच्छा जी, मेरा नाम जैसे आपको मैंने बताया सैयद अली जामिन है, और ये YouTube चैनल है, और इसके सारे लिंक्स जो हैं YouTube चैनल के, Facebook पेज के, और ये ईमेल एड्रेस ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। जो वीडियो सारे ये जो सीरीज़ है कंप्यूटर नेटवर्क्स की वो सारी इस पे अपलोडेड है। आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थ्रू Facebook पेज, और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये वाले वीडियोज़ जो हैं ये LMS पोर्टल पे भी उनके शेयर हो जाती हैं, तो वो वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, और मुझे क्विज असाइनमेंट्स जो है वहाँ सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं हमें जब कोई हमने नेटवर्क बनाना होता है? नेटवर्क का तो आपको आइडिया होगा कि नेटवर्क क्या होता है। जब हमने कोई नेटवर्क बनाना होता है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे माइंड में क्या चीज़ें आनी चाहिए? हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। उनमें से कुछ जो चीज़ें आनी चाहिए वो ये हैं कि किस तरह हमने उस नेटवर्क को स्केलेबल बनाना है, यानी ऐसा नेटवर्क बनाना है जो कि ना सिर्फ एक रूम के लिए, एक सिटी के लिए हो, बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्यों ना हो, यानी स्केलेबल हो, यानी हम उसको ग्रो कर सकें, ठीक है, और जो डिफरेंट एप्लीकेशंस को सपोर्ट करे। ऐसा ना हो कि वो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए को सपोर्ट ही करे। तीन तरह की डिवाइसेज हैं जो कि एक जैसी हैं, तीन डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, सिर्फ उन्हीं के नेटवर्क को डिफरेंट डिवाइसेस का, मोबाइल्स को सपोर्ट करे, डेस्कटॉप्स को यानी कंप्यूटर लैपटॉप्स को सपोर्ट करे, अदर डिवाइसेस को भी सपोर्ट करता हो, स्केलेबल हो, ग्रो कर सके, ऐसा नेटवर्क होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क में और बाकी नेटवर्क्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होता है, लेयर्ड होता है, उसके अंदर प्रोटोकॉल्स कौन से यूज़ होते करने हैं हमने, इस तरह की चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए जब भी हमने कभी भी कोई भी नेटवर्क डेवलप करना है। तो अच्छा, हमारा गोल क्या है? जस्ट वन मिनट। हमारा गोल ये है, बस एक मिनट में। अच्छा, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि एक हमने कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है, जैसे मैंने पहले बताया कि दैट कैन ग्रो, विच कैन ग्रो टू ग्लोबल प्रोपोर्शन, यानी स्केलेबल होना चाहिए, स्केल उसको कर सके, ग्रो कर सके। इसके अलावा हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमारा नेटवर्क जो है डाइवर्स एप्लीकेशंस को सपोर्ट करे। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो नेटवर्क है उसमें कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं ये हम आने वाली स्लाइड में अभी डिस्कस करते हैं।
हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब है कि ये हमारी नोड्स जो हैं, मल्टीपल नोड्स जो हैं, ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो ये कौन कौन से हमारे पास डिवाइसेज अवेलेबल हैं, कंप्यूटर कौन से अवेलेबल हैं, कितने डेस्कटॉप्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी डिवाइसेज अवेलेबल हैं, कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, और ये कौन कौन से अवेलेबल हैं, और किस तरह इनको आपस में कनेक्ट करके, इन सब बिल्डिंग ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करके हमने नेटवर्क बनाना है। ठीक है, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को किस तरह कनेक्ट करके आपस में एक नेटवर्क बना देना है, जो कि जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, जिसमें डिले भी कम हो, जो रिलायबल भी हो, तो सारी चीज़ें उसमें हों। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है? ये बेसिकली तो डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ सीरियल लाइन, जो सीरियल लाइन जो है वो अटैच होती हैं मेन फ्रेम्स के साथ, यानी ये मेन फ्रेम है, ये मेन फ्रेम है, ये दो आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसको भी एक नेटवर्क कह सकते हैं हम। इस तरह इसके अलावा केबल जो हैं वो अगर वीडियो सिग्नल्स भेज रही हैं, ठीक है, कोई केबल है वो वीडियो सिग्नल भेज रही है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, उसको भी हम एक नेटवर्क कह सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन्स का नेटवर्क होता है, जो कि वॉइस को, जो कि आवाज़ को जो है आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, इसको भी हम नेटवर्क कह सकते हैं। तो किस तरह एक कंप्यूटर नेटवर्क इन सब नेटवर्क से डिफरेंट होता है, जो हमने इस यहाँ देखा कि यहाँ जो था ये टेलीफोन जो था ये सिर्फ क्या भेज रहा है, वॉइस ट्रैफिक को हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, ये जो केबल का नेटवर्क था फॉर एग्जांपल ये सिर्फ वीडियो सिग्नल्स को कैरी कर रहा है, तो ये स्पेसिफिकली किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए जो है ये डिज़ाइन किए गए हैं। लेकिन जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, यानी वो एक किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करता बल्कि सब चीज़ों पे फोकस करता है। जिस तरह वो वॉइस भी भेजता है, उसको आपने ऐसा नेटवर्क बनाना है जिससे वॉइस भी भेज सकें, जिससे आप वीडियो भी भेज सकें, जो इवन आपके की स्ट्रोक्स को, जो भी आप कीबोर्ड पे टाइप करते हैं उसको भी हैंडल कर सके, सपोर्ट करे वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस को, जो कि वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस को सपोर्ट करे, यानी जनरल पर्पज़ होना चाहिए, प्रोग्रामेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि वो फिक्स हो गया, उसकी जो हार्डवेयर है वो प्रोग्रामेबल हो, जनरल पर्पज़ हो। जिस तरह FPGAs होते हैं वो हार्डवेयर जो होती हैं वो जनरल पर्पज़ होती हैं, इसी तरह आपके नेटवर्क को भी क्या होना चाहिए, जनरल होना चाहिए, जनरल पर्पज़ होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जिस तरह अब हमारी देखें कि एप्लीकेशन ज़्यादा होती जा रही हैं, जिस तरह वर्ल्ड वाइड वेब आ गई WWW, इसी तरह ईमेल आ गई हैं, ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स आ गए हैं हमारे पास, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग आ गई हैं, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग्स आ गई हैं, फाइल शेयरिंग आ गई है, इंस्टेंट मैसेजिंग आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया हुआ है, तो इतनी सारी जो डाइवर्स एप्लीकेशंस आ गई हैं हमारे पास, उसकी वजह से एक बड़ा हमारा नेटवर्क कम्प्लेक्स हो गया है। हम चाहते हैं कि ये सारी एप्लीकेशंस की सारी रिक्वेस्ट जो हैं वो टाइमली मैनेज हो, अच्छी तरह मैनेज हो, कोई किसी में डिले ना आए, कोई हमारा नेटवर्क जो है वो स्केलेबल हो, यानी हर तरह की डिफरेंट एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करे, डिफरेंट डिवाइसेस को भी सपोर्ट करे, और अच्छी परफॉर्मेंस भी हो, उसकी थ्रोपुट अच्छी हो, डिले कम हो। तो ये सारी चीज़ें जब मैनेज करना है तो कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती जाती है। इसका ये मतलब है कि जो एप्लीकेशंस हैं इन्होंने हमारे नेटवर्क की कम्प्लेक्सिटी को ज़्यादा कर दिया हुआ है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह ये URL है जिसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, ये सारा URL लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये आपको कुछ प्रोटोकॉल्स के वो थोड़ा बता देता हूँ। HTTP को हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, इसी तरह TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अच्छा, ये तो जस्ट आपको बताना था कि इनका क्या मतलब होता है। एग्जांपल हमारी ये है कि हमारे पास 17 मैसेज हैं, अगर आप एक क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक क्लिक करते हैं तो उसके अगेंस्ट 17 मैसेज जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। एक आम लेमैन को तो नहीं पता कि वो एक कीबोर्ड का बटन प्रेस कर देता है और क्या होने लगा है, अंडर जो नेटवर्क की दुनिया में है क्या इनकलाब आने लगा है उसके सिर्फ एक की स्ट्रोक प्रेस करने, एक कीबोर्ड का एक की प्रेस करने से क्या चीज़ें होने लगी हैं। ठीक है, क्या क्या होती हैं अगर आपने एक सिर्फ क्लिक किया उसके अगेंस्ट क्या होता है, यानी आपने कोई ये वाला जो है लिंक जो है ये लिखा हुआ था इस पर क्लिक कर दिया, अब क्लिक करने से 17 मैसेज जनरेट हो गए, 6 मैसेज तो जो हैं वो फाइंड करने पे लग जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, CS प्रिंसटन EDU जो है इसका मतलब क्या है, यानी वो डोमेन नेम सर्वर के पास जाएंगे। डोमेन नेम सर्वर का आपको पता होगा, डोमेन नेम DNS का,
कि वो ट्रांसलेट करेगा इस वाले मैसेज को आईपी एड्रेस में, ठीक है, यानी ये वाला जो यूआरएल है इसको डिकोड करेगा आईपी एड्रेस में। उसको नहीं पता कि ये क्या चीज़ें हैं, वो तो डिकोड करेगा कि ये www.cs.princeton.edu जो है ये इसका क्या मतलब है सारे का। तो 6 मैसेज तो वो इस काम में ही लग जाएंगे एड्रेस डिकोड करने में, आईपी एड्रेस जो है आईपी टू फाइंड आईपी प्रोटोकॉल थ्रू डीएनएस। और 3 मैसेज जो हैं जब ये फाइंड आउट हो जाएगा तो 3 मैसेज तो सेटअप करने में लग जाएंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को इस्टेब्लिश, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने ना, तो आपको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। 4 मैसेज जो हैं वो HTTP की रिक्वेस्ट करने में, एक्नॉलेजमेंट करने में, कि यानी अच्छा आपने जो मैसेज रिक्वेस्ट की है वो अब एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ यार ये मुझे मैसेज मिल गया, अब मैं तुम्हें मैसेज भेजता हूँ, फिर ये एक्नॉलेज करेगा हाँ मुझे मैसेज मिल रहा है इस तरह। यानी यहाँ यहाँ सेंडर है और यहाँ वो रिसीवर है, यहाँ सर्वर पड़ा हुआ है, तो उसके दरमियान जो एक्नॉलेजमेंट होनी है, जो डाटा शेयरिंग होनी है, वो तो जो है वो HTTP के पे ही 4 मैसेज चले जाने हैं। रिक्वेस्ट होगी आई गॉट योर रिक्वेस्ट एंड आई विल सेंड द डाटा, तो रिप्लाई होगा हेयर इज़ द डाटा यू रिक्वेस्टेड आई गॉट द डाटा, ठीक है। अच्छा, 4 मैसेज जो हैं वो टीयरिंग डाउन पे कनेक्शन को, TCP कनेक्शन को टीयर डाउन करने पे लग जाएंगे। तो जस्ट वन क्लिक पे आपके 17 मैसेज जो हैं वो क्या हो गए, जनरेट हो गए। तो ये डाइवर्सिटी ऑफ, ये तो एक सिंपल एक क्लिक की आपको एग्जांपल दी थी। आप तो पूरी गेम में खेल रहे होते हैं, इंटरनेट के ऊपर पबजी खेल रहे होते हैं, तो इतनी जो डाइवर्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं उनको बिल्ड करना ऑन द टॉप ऑफ द इंटरनेट, हिंट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंटरनेट डिज़ाइन। तो इंटरनेट को डिज़ाइन करने की कम्प्लेक्सिटी इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, हमारी रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है कि एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है यानी जिसने एप्लीकेशन को प्रोग्राम करना होता है, वो चाहता है कि जो लिस्ट ऑफ सर्विसेज जो हैं उसकी एप्लीकेशन जिसको ज़रूरत है, यानी उसकी एप्लीकेशन को, अगर आप गेम खेल रहे हैं तो उसको जो अपडेट होती रहती है साथ साथ, तो आपका तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर यही चाहता है ना कि जो मैंने गेम डिज़ाइन की है वो इंटरनेट के थ्रू साथ साथ अपडेट भी होती जाए, ठीक है। तो वो ये चाहता है कि वो टाइम के अंदर अंदर, गिवन टाइम के अंदर अंदर ही अपडेट हो जाए। तो वो डिले बाउंडेड होनी चाहिए, डिले बाउंडेड डिलीवरी ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल आप पबजी खेल रहे हैं तो टाइमली जो है वो, अगर आपके जो बाकी दोस्त होते हैं दूसरी तरफ, तो उन वो जो भी एक्शन ले रहे हैं वो आपको टाइमली नज़र आना चाहिए, डिले बाउंडेड होना चाहिए। यानी अगर आप किसी के साथ गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल की गेम फीफा, दो लोग आपस में दो डिफरेंट डिवाइसेस पे खेल रहे हैं, तो जो उनके दरमियान डाटा शेयरिंग हो रही है, तो वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर ये चाहता है कि वो जो है डिले बाउंडेड डिलीवरी ऑफ डाटा होना चाहिए, ठीक है, समझ लग गई होगी। इसके बाद नेटवर्क डिज़ाइनर क्या चाहता है, नेटवर्क डिज़ाइनर यानी अगर आप नेटवर्क डिज़ाइनर हैं तो आप ये भी चाहते हैं कि हाँ चलो उसको डिले तो ना आए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि मैं अपनी सारी रिसोर्सेज जो हैं इन दो लोगों को ही दे दूँ गेम खेलने के लिए, अगर किसी और ने इमरजेंसी, किसी और इमरजेंसी में कोई नेटवर्क यूज़ करना है तो उसको नेटवर्क अवेलेबल ही ना हो। यानी एक नेटवर्क जो है वो 5-3 लोगों पे शेयर हो सकता है, तो वो 2 लोगों पे ही दे दे जो सिर्फ गेम खेल रहे हैं, एक आदमी जिसको ज़्यादा इमरजेंसी है उसको शेयर ही ना हो। तो नेटवर्क डिज़ाइनर का गोल होता है कि एक तो नेटवर्क कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, ठीक है, दूसरा वो ये हो कि शेयरेबल रिसोर्सेज होनी चाहिए, यानी रिसोर्सेज को ये कि ऑक्यूपाई करके ना बैठ जाए, बल्कि नेटवर्क्स की जो रिसोर्सेज हैं वो शेयरेबल होनी चाहिए, फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए अमंग इट्स यूज़र्स। और नेटवर्क प्रोवाइडर, जो नेटवर्क आप जिससे नेटवर्क वगैरह लेते हैं, वो बस चाहता है कि जो सिस्टम जो है वो इजी टू मैनेज होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक की अपनी अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो नेटवर्क का ओवरव्यू यानी उसकी एक्सपेक्टेशंस में हम देखते हैं कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नेटवर्क की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी जों की सिम, यूफोन की सिम, जहाँ भी जाते हैं वो उसके सारे सिग्नल्स आने चाहिए, कनेक्टिविटी आप चाहते हैं इंश्योर होनी चाहिए। नेटवर्क डिज़ाइनर चाहता है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव रिसोर्स शेयरिंग होनी चाहिए, यानी सब लोगों के दरमियान को रिसोर्स शेयरिंग होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई एक ही रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर ले। इसके अलावा हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि नेटवर्क जो है वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब ये है कि आपको पता है कि हाँ इमरजेंसी में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो ये नेटवर्क मैं यूज़ करूँगा, तो ये रिलायबल है, ये वर्क करेगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, यानी उसकी थ्रोपुट अच्छी हो, उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो, डिले ना हो उसमें,
और लास्टली फंक्शनैलिटी भी होनी चाहिए, यानी जिस मकसद के लिए आपने नेटवर्क बनाया हुआ है वो उस मकसद को, उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को वो करता हो, फुलफिल करता हो। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं कि जब नेटवर्क को डिज़ाइन करना होता है, जब नेटवर्क को डिज़ाइन और बिल्ड करना होता है तो वो क्या होता है, आप देखते हैं क्या ये नेटवर्क का लेयर स्ट्रक्चर है, यानी नेटवर्क्स की डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो आपको उम्मीद है पता होंगी, वरना हम इनको फर्दर भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो जो आपका नेटवर्क का आर्किटेक्चर है वो क्या लेयर्ड है कि नहीं है, उसमें कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ किए गए हैं, उसमें कौन सी फंक्शनैलिटी है नेटवर्क की, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो जब कोई नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है तो आप ये भी चीज़ें अपने माइंड में रखते हैं। अच्छा, अगेन दोबारा उसी बात को दोबारा डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं जब भी कोई नेटवर्क बनता है। हम यूज़र हैं, हम चाहते हैं कि हमें जी कनेक्टिविटी मिलती जाए, यानी हमें फॉर सर्विसेज रिक्वायर्ड, जिस सर्विस के लिए हम ले रहे हैं वो एवरी टाइम कनेक्टेड हो, एरर फ्री डिलीवरी ऑफ डाटा होना चाहिए, या एरर फ्री डिलीवरी विद इन एक्सेप्टेबल टाइम लिमिट्स, यानी डाटा जो है वो अगर 1 भेजा है, 101 भेजा हुआ है तो डाटा जो है वो 101 ही रिसीव हो। ठीक है, और ये भी ना हो कि डाटा तो सही रिसीव हो रहा है लेकिन आधे घंटे बाद रिसीव हो रहा है। ठीक है, एक्सेप्टेबल टाइम लिमिट्स के अंदर ही डाटा को रिसीव होना चाहिए, ये एक यूज़र का पर्सपेक्टिव है, यूज़र के एंड पे जो है वो पर्सपेक्टिव है। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटर्स के एंड पे कौन सा पर्सपेक्टिव होता है, नेटवर्क को जो ऑपरेट कर रहा होता है वो चाहता है कि यार कोई मसला आ जाए तो मैं इसको ना मेंटेनेंस उसकी जो है वो सही तरह कर सकूं, मैं इजी टू एडमिनिस्टर कर सकूं, उसका फॉल्ट लोकलाइजेशन कर सकूं, यानी जिस नेटवर्क में जिस पॉइंट पे एरर आ गया है, जो फॉल्ट आया हुआ है, मैं उसको इजीली लोकलाइज कर सकूं, उसको इजीली पॉइंट आउट कर सकूं, ढूंढ लूं, और उसके बाद उस फॉल्ट को आइसोलेट कर दूं बाकी नेटवर्क से, यानी बाकी नेटवर्क सही चलता रहे, उस फॉल्ट को मैं आइसोलेट कर लूं। ठीक है, इसके अलावा यूजेज अकाउंटिंग, यानी कि मैं देखूं कि यार कौन सा यूज़र कितना नेटवर्क यूज़ कर रहा है, बिलिंग के लिए भी यूज़ होता है कि आपसे जो चार्जेस लिए जाते हैं तो किसने कितना नेटवर्क यूज़ किया, आपको 20 GB मिल गए हैं तो ऐसा ना हो कि नेटवर्क जैज ने आपको 20 GB दिए हुए हैं और आप जो हैं वो 40 GB यूज़ कर रहे हैं और नेटवर्क जो ऑपरेटर है उसको पता ही नहीं है कि मैंने तो 20 GB दिए थे, वो तो 40 GB यूज़ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक नेटवर्क ऑपरेटर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखी जाती हैं। इसके अलावा हमारा पर्सपेक्टिव जो होता है वो यूज़र एंड पे भी होता है, ये हमने देख लिया हुआ है, स्लाइड रिपीट हो गई है। अच्छा, बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो मैंने अभी बताया था कि डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो उसमें से एक नोड्स होते हैं, नोड्स आपको पता है मैंने कहा था, उसमें PC भी आ जाता है, होस्ट भी आ जाते हैं, स्विचेस भी आ जाते हैं, ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी हमारे पास एक सिस्टम, ये मैं इसको PC कह देता हूँ। ठीक है, ये हमारे दो होस्ट हैं, यानी ये इसको मैसेज भेजता है, एक होस्ट है एक रिसीवर है, या दो होस्ट हैं, इनके दरमियान स्विचेस लगे हुए हैं। ठीक है, स्विचेस लगे हुए हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फिर इनके दरमियान लिंक भी क्रिएट करना है हमने, ठीक है, लिंक भी क्रिएट करना है, तो लिंक जो है वो केबल्स के थ्रू भी हो सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट, अब हमने डिसाइड करना था क्या इनके दरमियान कम्युनिकेशन जो है या नेटवर्क जो है वो पॉइंट टू पॉइंट बनाना है या मल्टीपल एक्सेस बनाना है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है कि ये एक सेंडर है और उसी का एक रिसीवर है, ये इससे डायरेक्टली मैसेज रिसीव करता है। मल्टीपल एक्सेस का मतलब है कि एक सेंडर है और आगे फिर मल्टीपल वो लगे हुए हैं, मल्टीपल जो हैं वो रिसीवर हो सकते हैं, एक सेंडर है और मल्टीपल रिसीवर हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं। तो ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि वो जो मैंने अभी आपको मल्टी पॉइंट का बात बताई है कि हम एक नेटवर्क को, एक नोड को डायरेक्टली दूसरी नोड से कनेक्ट कर देते हैं, यानी अगर आपने अपने अपने फैमिली में कॉल करनी है, ब्रदर को, सिस्टर को, मदर फादर को, सारों के साथ आप एक एक पॉइंट के साथ कनेक्ट हों, और फिर अपने कज़न्स को करनी है, उनके साथ भी आपके लिए एक अलहदा पॉइंट हो, यानी ये आप हैं, आपने इसको कॉल करनी है तो ये एक अलहदा लिंक है, डायरेक्ट लिंक है, और इसको पॉइंट टू पॉइंट है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, सेपरेट सेपरेट, यानी ये जब उसके साथ कनेक्ट होगा तो इसके साथ नहीं होगा। ठीक है, इस तरह मल्टी सेपरेटली सेपरेट पॉइंट टू पॉइंट, यानी क्यों नहीं है, क्यों हम मल्टी पॉइंट
जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। मल्टीपल एक्सेस हम क्यों यूज़ करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही क्यों यूज़ नहीं करते। इसमें आप देखें कि मैंने अगर चार लोगों से कनेक्ट करना था तो सबके साथ मैंने सेपरेट डायरेक्ट लिंक बना दिया। इससे क्या नुकसान हो रहा है, एक तो कनेक्शन हमारा लिमिटेड हो जाता है, हमारे पास इतनी ऑप्शन नहीं होती कि हम पूरी दुनिया के साथ ही अपना लिंक क्रिएट कर लें, हमारे पास लिमिटेड कनेक्शंस होते हैं, एक तो हमारा कनेक्शन लिमिटेड हो जाता है। दूसरा ये होता है कि ये एक्सपेंसिव बहुत है, तीसरी बात ये है कि ये मैनेजेबल भी नहीं है, अनमैनेजेबल है, ठीक है। तो ये डिफरेंट रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हम नोड टू नोड कनेक्शन नहीं बनाते, बल्कि हम एक इनडायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। उसका सलूशन ये होता है कि हम इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाते हैं यूजिंग इंटरमीडिएट डाटा फॉरवर्डिंग नोड्स, यानी स्विचेस को हम यूज़ करते हैं ताकि हम इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी करवा सकें। यानी एक आदमी अगर इसने कनेक्ट करना है इसके साथ, तो हो सकता है कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, लेकिन इसके कनेक्शन के थ्रू वो इधर आ जाए, ठीक है। यानी एक डायरेक्ट आपका कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट कनेक्शन के थ्रू आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये चीज़ कौन इम्प्लीमेंट करवाता है, ये करवाते हैं स्विचेस। तो स्विचेस क्या होते हैं, स्विचेस बेसिकली ये हमारे पास डिफरेंट, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, डिफरेंट नोड्स हैं, डिफरेंट यूज़र्स हैं, इन्होंने एक दूसरे को मैसेज भेजना है, तो वो इस क्लाउड के अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं, ये मल्टीपल स्विचेस यूज़ कर रहे हैं। तो टू और मोर नोड्स कनेक्टेड बाय अ लिंक, यानी दो या दो से ज़्यादा नोड्स जो हैं वो एक लिंक के साथ, एक चैनल के साथ कनेक्टेड हैं। सर्कुलर नोड्स जो हैं वो स्विचेस को यूज़ कर रही हैं, जो कि नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करवाती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, ये स्विचेस जो हैं ये नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और स्केयर्ड नोड, ये वाली जो नोड्स हैं, ये स्केयर, ये होस्ट हैं, ये नेटवर्क को यूज़ करती हैं, ये कंज्यूमर हैं, ये एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, ये कंज्यूमर ऑफ नेटवर्क हैं। स्विचेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं नेटवर्क को। इसी तरह स्विच नेटवर्क्स क्या होते हैं, ये एक नेटवर्क कैन बी डिफाइंड रिकर्सिवली एज, अब वही जो डायग्राम पहले वाली थी वही सेम टू सेम है, लेकिन इसमें देखिए हमने क्लाउड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये क्लाउड बना है, ये क्लाउड बना है, ये क्लाउड बना है, हमने थोड़ा इसको एक्सपेंड कर लिया। तो क्लाउड जो है वो डिनोट किस चीज़ को करते हैं, एनी टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट नेटवर्क, यानी एक ऐसा नेटवर्क, इसके अंदर कोई एक ऐसा नेटवर्क है जिसका हमें पता है लेकिन हम इसको डिस्कस नहीं करना चाहते, यानी उसकी डिटेल में नहीं हम जाना चाहते, तो हम उसकी जगह क्या बना देते हैं, क्लाउड बना देते हैं। यानी ऐसा नेटवर्क जिसकी हम डिटेल में नहीं जाना चाहते, उसको हम क्लाउड से शो कर देते हैं। अच्छा, स्विचिंग जो अभी हम बात कर रहे थे, इसकी मल्टीपल स्ट्रेटजीज होती हैं। दो इसकी जो स्ट्रेटजीज हैं, एक को सर्किट स्विचिंग कहते हैं, एक को पैकेट स्विचिंग कहते हैं। सर्किट स्विचिंग क्या होती है, सर्किट स्विचिंग होती है ये नोड इसके साथ कनेक्ट है और कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ डाटा, यानी 1010 लाइव स्ट्रीमिंग जिसे कहते हैं, वो सर्किट स्विचिंग आप समझ लें कि टेलीफोन जो आप करते जो आप टेलीफोन करते हैं वो भी एक सर्किट स्विचिंग होती है, यानी आपका कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ डाटा होता है, डाटा जो है कॉन्टीन्यूसली फ्लो कर रहा होता है, कैरीज बिट स्ट्रीम, बिट का स्ट्रीम 1010 डाटा जो है यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, सेंड डाटा एट कॉन्स्टेंट रेट, कॉन्स्टेंट रेट पे ही डाटा ट्रांसफ़र होता है। ऐसा नहीं है कि कभी आपकी हेलो जो है वो जिस स्पीड से बोल रहे हैं उससे ज़्यादा स्पीड में आगे ट्रांसफ़र हो जाए, कभी स्लो स्पीड में ट्रांसफ़र हो जाए, एक कॉन्स्टेंट रेट से डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल यही टेलीफोन है, जिसको पॉइंट टू पॉइंट भी कह सकते हैं। अच्छा, पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं होता बिट बाई बिट डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, नहीं, बल्कि यानी अगर हमारे पास 10101 है ना, तो पैकेट्स बन जाते हैं, यानी पहले 10 के एक पैकेट बन गया, अगले 10 का एक और पैकेट बन गया, इस 1 का तीसरा पैकेट बन गया, तो अब पैकेट्स में डाटा जाएगा, पहले ये वाला पैकेट जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, ठीक है। पैकेट स्विचिंग में ये होता है कि एक डाटा स्टोर होता है एंड फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं। दूसरी बात यह कि यूजेस रिसोर्सेज डायनामिकली, यानी एज अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक डिमांड। इसमें ये होता है कि डाटा जो है कॉन्स्टेंट रेट में भेजा जाता है, लेकिन इसमें पैकेट्स में डाटा स्टोर होता है, फिर देखा जाता है कि क्या इस पैकेट की रिक्वायरमेंट है, क्या ये डाटा की डिमांड है, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग इस डाटा की डिमांड है कि नहीं है, फिर भेजा जाता है। यानी हो सकता है कि ये 1 पहले भेज दिया जाए और अगला 10 जो है ये वाला थोड़ी देर स्टोर है, और फिर अगर ट्रैफिक की डिमांड है तो फिर इसको भेजा जाए, वरना ना भेजा जाए। इसमें तो हम कॉन्टीन्यूसली भेज रहे थे ऊपर वाले में, इसमें हम डाटा को स्टोर करके डिले भी कर सकते हैं।
जब डिले करते हैं और कभी जब जब ट्रैफिक डिमांड हो तब भेजते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हम कांस्टेंट रेट पे डाटा नहीं भेज रहे बल्कि वेरिएंट रेट पे डाटा भेज रहे हैं। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि सर्किट स्विचिंग में और पैकेट स्विचिंग में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है एड्रेसिंग का। एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट जिस तरह है कि बाइट स्ट्रिंग दैट आइडेंटिफाइज अ नोड, यानी इसमें आपको पता होना चाहिए एड्रेस क्या होते हैं। एक आईपी एड्रेस होता है और एक मैक एड्रेस होता है। तो हर डिवाइस का अपना मैक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है। जहाँ भी आपने डाटा भेजना है किसी को, आपने चाहे टीसीएस भी करवाना है तो आपको एड्रेस तो पता होना चाहिए। तो इसी तरह इसमें भी नेटवर्क्स में भी एड्रेसिंग होती है। इसी तरह राउटिंग होती है, फॉरवर्डिंग डिसीजंस, यानी राउटिंग बताता है कि बेस्ट पॉसिबल राउट क्या है। आप गूगल मैप पे भी जब आपने एक उबर या ग्रीम करवाते हैं तो वो आपको दो ऑप्शन दे रहा होता है कि आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं। इस रास्ते में आपको 25 मिनट लगेंगे, दूसरे रास्ते में आपको 30 मिनट लगेंगे। तो अब वो जो राउटर है वो डिफाइन कर रहा होता है, डिटरमाइन कर रहा होता है कि विच इज़ द बेस्ट पॉसिबल राउट टू ट्रांसमिट द डाटा। तो प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ टू फॉरवर्ड मैसेजेस टू द डेस्टिनेशन नोड बेस्ड ऑन इट्स एड्रेस, तो राउटिंग का ये मकसद होता है। इसके अलावा तीन टाइप्स होती हैं, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट में होता है कि नोड स्पेसिफिक होता है, यानी एक नोड दूसरे नोड को स्पेसिफिकली ही डायरेक्ट मैसेज भेजती है, ठीक है। इसी तरह ब्रॉडकास्ट होता है कि एक ये मैसेज भेजने वाला है और इसने मल्टी सब लोगों को मैसेज भेज दिया। जिस तरह व्हाट्सएप में भी ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, जिस तरह टीवी पे ब्रॉडकास्टिंग हम अक्सर सुनते रहते हैं। मल्टीकास्टिंग होता है कि आपने सब सेट बनाए होते हैं, यानी आप कह लें कि ये यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट के दरमियान में जो कोई चीज़ आती होगी ना, वो उसको मल्टीकास्ट कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। तो ये वही हमने कनेक्टिविटी की बात की कि यूज़र चाहता है कि डायरेक्ट कनेक्शन रहे, ठीक है। वो चाहता है कि स्केल हो, हमारा नेटवर्क स्केल करे, हम लिंक्स के थ्रू जो डाटा भेजते हैं हमारी नोड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पॉइंट टू पॉइंट मल्टीपल एक्सेस की हमने बात कर ली, अब फिर हमने बात कर ली स्विच्ड नेटवर्क्स क्या होते हैं, उसमें हमने सर्किट स्विचिंग की बात की, पैकेट स्विचिंग की बात की। पैकेट्स में मैसेज होते हैं जो कि डाटा स्टोर और फॉरवर्ड करते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट भी होता है और मल्टीपल एक्सेस भी होता है। तो हमने कनेक्टिविटी की बात कर ली, फिर हमने ये भी देखा कि क्लाउड क्या होता है। क्लाउड में जब हम किसी चीज़ कोई नेटवर्क है जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करना चाहते, उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते, तो उसको हम क्लाउड में बना देते हैं, ठीक है। हमने होस्ट की, स्विचिंग की, राउटर वगैरह की बात कर ली है, एड्रेसिंग की, यूनिकास्ट की। तो ये कनेक्टिविटी में सारी चीज़ें आती हैं। अब हम आते हैं कि हमारा एक इस वीडियो सीरीज़ का जो दूसरा पार्ट है, यानी जो इसका सेकेंड मेजर टॉपिक है, वो है स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली ये होती है कि जब आपने दो नोड्स के दरमियान कम्युनिकेट करवाना है तो आप मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, यानी आपके पास मल्टीपल सिग्नल्स हैं, मल्टीपल मैसेजेस हैं, आपके पास चैनल एक ही है, तो आप उस चैनल पे जो जाके जो है ना मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे अभी स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग। तो मैं बता रहा था कि जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है वो यूज़ हम करते हैं, हमारे पास फॉर इंस्टेंस मल्टीपल सिग्नल्स हैं, एक ये मैसेज है, एक इस तरह का कोई मैसेज है, एक ये मैसेज है, ठीक है। इसको हमने ट्रांसफ़र करना है, हमारे पास एक ही चैनल है, तो हम चाहते हैं कि ये इसी तरह के जो मैसेज हैं वो आगे रिसीव हो जाएं, ठीक है। तो हम एक ही चैनल यूज़ करते हैं, तो जब हम एक ही चैनल यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, यानी मल्टीपल सिग्नल्स को एक ही चैनल के थ्रू ऐसे हम सेंड करते हैं। तो इसको आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि इसको मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग का बेसिक यही पर्पज़ होता है कि टू कम्युनिकेट टू नोड्स, यानी दो नोड्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना। अब मल्टीप्लेक्सिंग की जो है मल्टीपल टाइप्स होती हैं। जो एक टाइप है उसको TDM बोलते हैं, यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एक एक जो टाइप है उसको बोलते हैं FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। TDM जो होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उसमें ये होता है कि स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स जो हैं वो असाइन की जाती हैं हर नोड को। यानी अगर हमारे पास ये एक नोड है और ये एक और नोड है, तो हमने स्पेसिफिक टाइम असाइन किया हुआ है, या हमारे पास चार नोड है, हमने स्पेसिफिक टाइम असाइन किया, यानी 2 सेकेंड इस नोड को असाइन किए हैं कि अगर तुमने कोई डाटा सेंड करना है तो या रिसीव करना है
तुमने कोई डाटा सेंड करना है तो तुम्हारे पास 2 सेकंड है, उसके अलावा तुम तीसरे सेकंड में डाटा सेंड रिसीव कुछ डाटा की एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसी तरह 2 सेकंड्स इसको दे दिए, 2 सेकंड इसको दे दिए, 2 सेकंड्स इसको दे दिए, तो हमने टाइम को जो है वो लिमिट कर दिया, टाइम डिवाइड कर दिया, टाइम डिवीजन कर दी हर नोड के लिए। अगर हम FDM में देखें, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, उसमें क्या होता है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड जो हैं वो असाइन कर दिए जाते हैं हर नोड को। जिस तरह जो हमारे पास जोंग है, यूफोन है, टेलीनॉर है, सबको डिफरेंट बैंड्स असाइन किए गए हैं। या आप जिस तरह FM सुनते हैं तो आप सेट करते हैं कि 106 पे ये वाला चैनल चलेगा, 107 पे ये वाला चैनल चलेगा, तो सारे चैनल इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, और उनको डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड्स जो हैं वो असाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी FM 106 पे कोई एक चैनल है, FM 107 को एक और, ये एक और बैंड है, और इसको कोई और चैनल असाइन किया हुआ है, यानी हर बैंड पे एक डिफरेंट नोड असाइन किया हुआ है। तो मल्टीप्लेक्सिंग के ये 2 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इनमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इनमें प्रॉब्लम्स ये होती हैं, TDM में ये होता है कि टाइम स्लॉट रिजर्व जो होता है वो वेस्ट भी हो सकता है। यानी हो सकता है कि ये इसी एग्जांपल में हम आते हैं कि 2 सेकंड इसको असाइन किए थे, हो सकता है इसके पास कोई डाटा ही ना हो वो जो 2 सेकंड इसको असाइन किए गए थे उसमें, और ये डाटा सेंड भी ना कर रहा हो और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा हो, कंज्यूम कर रहा हो, जबकि किसी और नोड को डाटा सेंड करना था और उसको टाइम ही नहीं मिल रहा। तो ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि फ्रीक्वेंसी बैंड भी वेस्ट हो जाता है। हो सकता है कि 107 को कोई यूज़ ही ना कर रहा हो और 107 का बैंड क्योंकि डेडिकेटेड है एक नोड के लिए, तो वो वेस्ट होता जा रहा है। तो ये 2 इश्यूज़ हैं जिस तरह मैं ये बता रहा था। FDM में मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, ये सिग्नल है, ये 3 डिफरेंट सिग्नल है आपके पास, ये चैनल है, आपने मल्टीप्लेक्सर से मक्स यूज़ करते हुए इसको कर लिया, सेंड कर दिया, और डी मक्स ने इसको डी मल्टीप्लेक्सर यानी जिसे बोलते हैं वो यूज़ करके दोबारा उसी में ए बी और सी को सेंड कर दिया। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि यार जो हमने नेटवर्क बनाया है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए। कॉस्ट इफ़ेक्टिव का क्या मतलब है कि यानी अगर जो टाइम हमारा, अगर ये वाला इसको 2 सेकंड असाइन थे, इसको 2 थे, इसको 2 थे, इसने कोई डाटा नहीं भेजना, तो ऐसा ना हो कि ये 2 सेकंड भी कंज्यूम करे और डाटा भी ट्रांसफ़र ना हो। कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, हमारा वो जो टाइम है वो कहीं और यूटिलाइज हो जाए। तो हमारा क्या डाटा, क्या शेयरिंग होनी चाहिए, नेटवर्क क्या होना चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हमने अभी देखा मल्टीप्लेक्सिंग, डी मल्टीप्लेक्सिंग, हमने सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देख ली, जिसमें क्या होता है कि टाइम स्लॉट्स जो हैं वो असाइन किए जाते हैं और प्री डिटरमाइंड स्लॉट्स होती हैं हर एक को डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा FDM में आपको मैंने अभी बताया कि हमने डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड्स जो हैं वो एलोकेट किए जाते हैं। लेकिन जो हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग, स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग क्या कहती है, स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग ये कहती है कि जो डाटा है वो ट्रांसमिट किया जाता है बेस्ड ऑन डिमांड, डिमांड की बेस पे जो है डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली सबको फ्रीक्वेंसी बैंड दे दिए हैं, रैंडमली जो है वो जो है हमने टाइम स्लॉट्स असाइन कर दिए हैं, नहीं, सिर्फ टाइम स्लॉट तब असाइन होनी है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बैंड तब असाइन होना है जब डाटा ट्रांसमिशन की डिमांड हो, जब वो कहे कि मैंने डाटा ट्रांसमिट करना है तब उसको टाइम स्लॉट असाइन कर दे, तब आप उसको फ्रीक्वेंसी बैंड असाइन कर दें। ठीक है, तो फ्लो का आपको मैंने बता दिया, डाटा फ्लो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजना, इसमें मल्टीपल टाइप्स हैं, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, सिंप्लेक्स और सिंप्लेक्स, ये मैंने एक इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस की हुई है। अच्छा, जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव शेयरिंग है, इसमें हम चाहते हैं कि अच्छा डाटा को हमने ऑन डिमांड तो भेजना है, यानी इसका भी डाटा भेजना है, इस कंप्यूटर का भी भेजना है, इसका भी भेजना है, ये जब डिमांड करेंगे तब भेजना है। अब अगर ये भी डिमांड कर रहा है और कंप्यूटर 1 और 3 दोनों डिमांड कर रहे हैं कि मेरा डाटा भेजो, ये भी डिमांड कर रहा है और ये एट अ टाइम 2 कंप्यूटर डिमांड कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो कंप्यूटर 1 की भी डिमांड है, कंप्यूटर 2 की भी डिमांड है, अब किसका डाटा भेजना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, ये स्केजुलर डिसाइड करेगा। स्केजुलर में हम फीफो भी होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, स्केजुलिंग की मल्टीपल टेक्निक्स हैं, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी और फीफो और लीफो और इस तरह की मल्टीपल टेक्निक्स हैं, जो कि वैसे तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के में डिस्कस की हुई हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं उस तरह की स्केजुलिंग टेक्निक्स तो यहाँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक आ रहा हो, आप इसको जाके देख सकते हैं कि ये फीफो
कौन सी टेक्निक होती है, तो मैं फीफो का जो लिंक है वो यहाँ आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये स्केजुलिंग की मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं, ठीक हो गया। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव शेयरिंग में हम क्या करते हैं, स्केजुलिंग कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने जो TDM यूज़ किया था और हमारे जो हमने टॉपिक है स्टेटिस्टिकल TDM, इसमें क्या डिफरेंस होता है। स्टेटिस्टिकल का आपको भी मैं बताता हूँ क्या होता है। ये हमारा सिंक्रोनस TDM है, यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। इसमें इस टाइम स्लॉट के अंदर कौन कौन मैसेज भेज रहा है, A1 भेज रहा है, B1 भेज रहा है, C नहीं भेज रहा, D भेज रहा है, E नहीं भेज रहा। तो क्या होता है, ये हमने पहले मैसेज भेजा A1 का, फिर B1 का, फिर इसकी टाइम देखें स्लॉट जा रही है, मैसेज नहीं भेज रहा लेकिन टाइम उसने कंज्यूम कर लिया। इसी तरह D1 ने तो मैसेज भेजा लेकिन E ने मैसेज नहीं भेजा लेकिन उसने टाइम स्लॉट कंज्यूम कर ली। ये हमने उसका हेडर वगैरह लगाए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह अगली टाइम स्लॉट में A नहीं भेज रहा, B भेज रहा है, बी भेज रहा है, सी नहीं भेज रहा, सी नहीं भेज रहा, उसका टाइम वेस्ट हो गया, डी भेज रहा है, डी तो का चला गया, ई का भी चला गया, ठीक है। लेकिन जो हम स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, यानी जिसमें ऑन डिमांड डाटा हम भेजते हैं, ना कि हम स्पेसिफिक टाइम असाइन कर दिए और मैसेज भेजे ना भेजे, इसमें क्या होता है, इस टाइम स्लॉट में आप देखेंगे कि इसमें A1 का डाटा भेजा, और अब ऐसा नहीं है, अब हमने हेडर लगा दिया और फिर आगे B1 का भेज दिया, ठीक है। अब हमने सी का नहीं भेजा, देखें इधर सी नहीं आ रहा बल्कि हेडर लगा के डी का भेज दिया, यानी D1 का भेज दिया हुआ। इस तरह इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल TDM, यानी स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अच्छा, इसमें पैकेट्स देखते हैं कि क्या, इसमें क्या हमने बात की है कि पैकेट्स जो हैं वो ऑन डिमांड इज क्यूड, यानी पैकेट्स जो हैं उनको क्यू में तो लाया जाता है, यानी क्यू का ये मतलब था कि दो डिफरेंट कंप्यूटर्स ने रिक्वेस्ट कर दी है डाटा ट्रांसफ़र की, तो हर एक का अपना कोई डाटा का पैकेट होगा, जो उसने कहा होगा कि मैंने यहाँ से डाटा उधर भेजना है, तो वो डाटा पैकेट्स में होता है डिवाइड। तो ये कंप्यूटर 1 का आ गया, कंप्यूटर 2 का आ गया, ये अब क्यू में लगे हुए हैं, ठीक है। अब इनको किस 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 डाटा को किस कब भेज रहे हैं, ये डिटरमाइन करता है कि उसकी स्केजुलिंग टेक्निक्स कौन सी बैकएंड पे यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको एक बताई फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मल्टीपल्स होती हैं, राउंड रॉबिन होती है, प्रायोरिटी स्केजुलिंग होती है। ये मेरे स्केजुलिंग पे हैं लेक्चर्स, जिसका मैंने यहाँ से आपसे शेयर किया हुआ लिंक, वो आप देख सकते हैं। वैसे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से हैं लेकिन वो यहाँ भी अप्लाई होती हैं, क्योंकि सेम स्केजुलिंग टेक्निक्स हैं, वो हर डिफरेंट एप्लीकेशन में अप्लाई हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप स्केजुलिंग नहीं कर रहे तो आपको वो होना चाहिए, आपको बफरिंग जो है वो उसकी भी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। यानी बफरिंग क्या होता है कि ये सेंडर है, इसने कोई पैकेट्स भेज दिए, मैं कहता हूँ 6 बिट्स के, ठीक है। अब 6 बिट्स ऐसा नहीं है उसको फौरन रिसीव हो जाने हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली। अब ये हमने डाटा तो भेज दिया लेकिन पता नहीं इसकी स्केजुलिंग हुई थी या नहीं हुई थी। अगर स्केजुलिंग हुई भी है तो क्या इसकी कैपेसिटी है इस डाटा को रिसीव करने की, हो सकता है ये दोनों आपस में बफर इंस्टॉल कर लेते हैं बीच में। बफर की फॉर एग्जांपल कैपेसिटी थी 3 बिट स्टोर करने की, तो होना ये चाहिए था कि सेंडर को ही 3 बिट्स का पैकेट बनाना चाहिए था, ठीक है, डाटा भेजने में, लेकिन इसने क्या किया 6 बिट्स का बना दिया, तो डाटा ओवरफ्लो कर रहा है, यहाँ बफर में डाटा ओवरफ्लो कर रहा है। बफर किस लिए यूज़ किया जाता है, टेम्परेरली डाटा स्टोर करने के लिए। तो बफर में डाटा जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो भी हमें डिटरमाइन करनी पड़ती है कि बफर की कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितनी लिमिट है डाटा स्टोर करने की। एप्लीकेशन डाटा को जो है वो भी पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी जो आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उनमें भी जो डाटा आप शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, वो लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा वो डाटा जो है वो पैकेट्स में स्टोर होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग में यही होता है कि डाटा जो है वो ऑन डिमांड जो है, तब हम उसको टाइम स्लॉट असाइन करते हैं या हम उसको फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो असाइन करते हैं। तो इंफॉर्मेशन जो फ्लो जो है शुड इंक्लूड सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसमें सोर्स एड्रेस भी होना चाहिए और डेस्टिनेशन एड्रेस भी होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग का फ़ायदा ये होता है कि ये ग्रेटर एफिशिएंसी होती है और लो कॉस्ट होती है। इनकी ग्रेटर एफिशिएंसी का मतलब ये है कि कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, कोई फ्रीक्वेंसी वेस्ट नहीं हो रही और कॉस्ट भी लो है। आप उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके जहाँ पहले रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे थे, यहाँ आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो इस लिहाज से कॉस्ट जो है वो भी लो कॉस्ट है। ये आपका डाटा होता है और उसके साथ आप हेडर अटैच कर देते हैं, तो इस तरह आपके मैसेज जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग में हम इसको समराइज कर लेते हैं कि ये भी इसमें टाइम डिवीजन तो होती है लेकिन ऑन डिमांड होती है रादर देन फिक्स्ड। ठीक है, इसको रीस्केड्यूल भी किया जा सकता है ऑन पर पैकेट बेसिस, हर पैकेट की बेस पे इसको रीस्केड्यूलिंग भी हो सकती है इसकी। ठीक है, पैकेट्स जो हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से इंटरलीव करते हैं ऑन द लिंक, यानी डिफरेंट, ऐसा इंटरलीव का मतलब है कि एक पैकेट से अगर एक कोई बिट आ रही है तो दूसरे पैकेट से हो सकता है दो बिट्स आ रही हो, तीसरे पैकेट से भी एक बिट आ रही हो, तो वो स्केजुलिंग की बेस पे फिक्स नहीं है। जिस तरह यहाँ ब्लू है, दो रेड हैं और एक फिर येलो है, इस तरह इंटरलीव इसे कहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि पहले येलो आएगा फिर रेड आएगा फिर ब्लू आएगा, नहीं, ऑन डिमांड के येलो की कितनी डिमांड है, रेड की कितनी डिमांड है, ब्लू की कितनी डिमांड है, वो इट डिपेंड्स ऑन ऑन डिमांड। बफर पैकेट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं दैट आर कंटेंडिंग फॉर द लिंक, बफर पैकेट्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें कंजेशन हो सकती है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि बफर के अगर 3 बिट स्टोर करने का उसकी कैपेसिटी है तो आप उसको अगर 6 बिट भेजेंगे तो कंजेशन हो जाएगी ना, तीन के तीन तो फिल हो जाएंगे, फिर डाटा ओवरफ्लो करना शुरू हो जाएगा, फिर वो जो डाटा वेस्ट होना शुरू हो जाएगा जो आप भेजेंगे। तो दिस इज़ पैकेट स्विचिंग यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इसको भी पैकेट स्विचिंग का एक मेथड है जो कि हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं। अच्छा, इश्यूज़ क्या आते हैं? अब जिस तरह FDM और TDM में भी इश्यूज़ थे, इसी तरह स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग में भी इश्यूज़ होते हैं। एक तो ये होता है इशू कि एप्लीकेशन को पता होना चाहिए कि बफर की कैपेसिटी क्या है। एप्लीकेशन नीड्स टू नो द कैपेसिटी ऑफ बफर। स्विच शुड फेयरली एलोकेट द रिसोर्सेज, जो आपने स्विच लगाए हैं, जो भी आपने स्केजुलिंग एल्गोरिदम लगाए हैं, वो रिसोर्सेज को फेयरली एलोकेट करें। ये ना हो कि आपने स्केजुलिंग तो कर दी है लेकिन कोई एक नोड जो है वो ही सारे रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करके बैठ गई है और किसी और रिसोर्स को टाइम नहीं मिल रहा। तो स्केजुलिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए। कंटेंशन जो है अकर्स हो जाती हैं एट स्विचेस, बफर में ओवरफ्लो, पैकेट में भी लॉस। वही बात के जो कंटेंशन है ना वो कंटेंशन आ जाती हैं। बफर का लिमिटेड साइज़ होता है तो उसमें हो सकता है कि आप क्यू की बारी ना आ रही हो, जो आपका पैकेट्स हैं वो लॉस्ट हो जाए, डाटा लॉस्ट हो जाए। तो इफ़ कंटेंशन अकर एट स्विच, बफर में ओवरफ्लो, पैकेट में भी लॉस्ट, वही बात है कि पैकेट्स लॉस्ट हो सकते हैं। अच्छा, अगले लेक्चर में हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और ये फेसबुक के पेज का लिंक और माय ईमेल एड्रेस इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।